नासिर खराफी कुवैत के एक बिजनेसमैन थे। वो 1944 को कुवैत में पैदा हुए और नासिर खराफी की कुल दौलत 10.4 बिलियन डॉलर थी। नासिर खराफी दूसरे अरब ताजरों की तरह एक अयाश ताजर थे। नासिर खराफी ने तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से हासिल की। नासिर खराफी कुवैत की बाअसर शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नासिर खराफी का शुमार दुनिया की 500 बाअसर शख्सियात में होता था। नाज़रीन, इंसान दौलत के मामले में बहुत लालची होता जा रहा है। वो ये सोचता है कि दुनिया में शायद हमेशा के लिए आया है और दुनिया उसे उसकी इस दौलत की वजह से याद करती रहेगी, लेकिन इंसान का ये ख्याल बिल्कुल गलत है। दुनिया सिर्फ उनको याद रखती है जिसने इंसानियत के लिए कुछ किया होता है। इंसान सारी जिंदगी जिस दौलत को जमा करने में लगा रहता है, आखिर में वो दौलत उसके किसी काम नहीं आती है। लेकिन अगर इंसान इसी दौलत को दुनिया की फलाह के लिए खर्च करे तो वह इसके लिए निजात का जरिया बन सकती है। आज हम दुनिया की एक अमीर तरीन शख्सियत की दौलत और उसकी अंजाम इस स्टोरी में देखेंगे और इससे कोई ना कोई अखलाकी सबक जरूर मिलेगा। नसीर खराफी का अपनी वफात के वक्त दुनिया का 70वां अमीर तरीन आदमी था और इसका कारोबार इंजीनियरिंग, टेली कम्युनिकेशन और ऑटो इंडस्ट्री तक फैला हुआ था। नासिर खराफी समंदर पार दुनिया में लेन देन करने वाले अरब के सबसे ज्यादा ताकतवर ताजरों में से एक थे। नासिर खराफी के पास तेल के अपने 34 कुएं थे। 2004 में नासिर खराफी को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के एजाज से नवाजा गया। इसके अलावा दुनिया के बहुत से ममालिक जिनमें मोरक्को, कोलम्बिया, ओमान ने भी नासिर खराफी को सिविल एजाज से नवाजा। 2005 में नासिर खराफी के बिजनेस की सालाना सेल 5 अरब डॉलर थी। नासिर खराफी के पास कुल मुलाजमीन की तादाद 75,000 थी। नासिर खराफी 2011 में दिल के आरजे में मुब्तला हो गए। नासिर खराफी के पास बेशुमार हीरे, जवाहरात, गाड़ियों की एक बड़ी कलेक्शन, अपने शिप्स, यार्ड और अपने प्राइवेट प्लेन्स मौजूद थे। ना सिर्फ यही बल्कि तमाम के तमाम प्लेन्स और गाड़ियां गोल्ड कोटेड थी। नासिर खराफी की कब्र को देख के इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नासिर खराफी की मौत भी एक आम आदमी की मौत ही थी। इंसान जो कुछ भी जमा करता है वो आखिरत में साथ लेकर नहीं जा सकता और जो ना ही वो आखिरत में उसकी भलाई का सबब बनता है। अगर भलाई का सबब बन सकती है तो वो दौलत होती है जो इंसान दुनिया में इंसानियत की भलाई के लिए खर्च करता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप MIV4U को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोज़ हासिल कर सकते हैं।